नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में रिलायंस पावर स्टॉक को डिस्कस करेंगे। एज एक्सपेक्टेड आज भी इस स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है और ये क्यों लगा है, आई थिंक कि यू ऑल नो वेरी वेल कि इस स्टॉक में स्टैंड अलोन बेसिस पे डेट फ्री हो चुका है और इसके कारण ही ये बड़ी खरीदारी दिखी है। तो मेरा यही कहना है कि जो न्यूज और रूमर्स के कारण के ट्रेंड होते हैं उसमें थोड़ा कॉशन बरते हैं, सावधानी बरतें। डेट डजंट मीन कि ये स्टॉक क्रैश हो जाएगा, लेकिन अपने रिस्क रिवार्ड को देख करके ही निवेश करेंगे। आज 5 दिन में स्टॉक लगभग 30% बढ़ चुका है। आज का वॉल्यूम लगभग 15 करोड़ का है। 2 करोड़ बायर्स जो है वो बिडिंग लगा के रखे हुए हैं। टेक्निकली ये सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ देखेंगे पावर सेक्टर अभी भी एक रेंज में कंसोलिडेट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, एक रेंज में कंसोलिडेट है। लेकिन इसी कंसोलिडेट सेक्टर के रेंज के बावजूद रिलायंस पावर आउट परफॉर्म कर रहा है। न्यूज वही डेट क्लियरेंस वाला है, डिलीवरी बेटर है, टेक्निकल ट्रेंड आउट परफॉर्मिंग है। लेकिन याद रखेंगे, ये याद रखने वाली बात क्या है कि ये एक रेजिस्टेंस है 34 और 32 के बीच में। यहाँ एक दो हो सकता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि आपको जो अपर सर्किट है वो खुलते दिखे और इस खुलते अपर सर्किट के बाद थोड़ा एक रिट्रेसमेंट ले और उसके बाद जो 34 के लेवल का ब्रेकआउट होगा वो फिर पोटेंशियली 50-60 यानी 100% के गेन के लिए जाएगा। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण ही लेने से बचें, थोड़ा अपर सर्किट खुले, एक दो दिन ट्रेड होने दें, उसके बाद मुझे लगता है कि फ्रेश बाइंग करना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी होल्डिंग है तो बने रहें, लेकिन अगर नहीं है तो आपने इस रैली को मिस कर दिया है। अब थोड़े यहाँ सेलिंग आएंगे, थोड़े जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट होते हुए दिखेंगे, उसके बाद की जो 34 की रैली होगी उसको मुझे लगता है कि पकड़ना एक बेहतर डिसीजन हो सकता है।